तो यार टोनी इतना जीनियस था कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को स्नैप करने के लिए एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना डाला था, तो फिर इससे निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन के लिए टोनी ने एक डिवाइस क्यों नहीं बनाया? और वहीं दूसरी तरफ थैनोस ने स्नैप किया था तो उसके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। थैनोस तो एक टाइटन था, इसलिए उसने चार स्टोन्स को तो इजिली सर्वाइव कर लिया था, बट रियलिटी स्टोन की स्नैप के बाद वो भी अधमरी हालत में हो गया था। और वो बातें टोनी को इन्फिनिटी वॉर में ही पता चल गई थी कि रियलिटी स्टोन की स्नैप के बाद किसी नॉर्मल ह्यूमन का बचना एकदम इम्पॉसिबल है, बट फिर भी उसने पांचों स्टोन का यूज करके स्नैप की और सबको वापस ला दिया। बट बात फिर से वही आ गई कि जब उसे पता था तब भी उसने उससे निकलने वाली रेडिएशन के लिए कोई भी इन्वेंशन क्यों नहीं किया। तो देखो रियलिटी स्टोन जो वर्क करता है तो वो धीरे धीरे यूजर के दिमाग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उसकी रेडिएशन तो दिमाग तक पहुंच ही जाती है। तो देखो फिजिकल रेडिएशन कंट्रोल हो सकती है लेकिन माइंड की नहीं हो सकती।